सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदापिता। सकल योनियों में देवता, देवयोनि, पितृयोनि, मनुष्योनि, पशुयोनि, पक्षियोनि इत्यादि सकल योनियों में जो मूर्तियां देह संस्थान भेद देखने को मिल रहा है, दो हाथ दो पैर दो चार, कहीं चार पैर चार हाथ, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये जो संघटित विभिन्न अंगों वाले अवयवों वाला होकर दिख रहे मूर्ति उत्पन्न होते हैं, या मूर्त जो विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं, तासाम उन सभी का महद ब्रह्म योनि, उन सब का योनि मने कारण सगल अवस्थाओं में अवस्थित महद ब्रह्म ही है। ऐसा जो हम ईश्वर और जो ईश्वर हूं मैं, वही बीज प्रदा गर्भाधान का कर्ता होने से पिता हूं समझो। महतो ब्रह्म महत ब्रह्म ब्रह्म महत, ऐसा राजदंता से परम सूत्र से समास उल्टा हो गया है। महतो ब्रह्म महत ब्रह्म बनना चाहिए, इन ब्रह्म महत ऐसा प्रयोग जो हुआ, राजदंता से दंता नाम राजा थी, राजदंता जैसा बनता है वैसा बन गया समझ लेना है। सृष्टि को उपक्रम में ये मैं प्रकृति हूं योनि हूं ऐसा नहीं समझो, गर्भाधान करता होने से उसके बाद भी सर्वदा ही सकल अवस्थाओं में मन स्थिति काल में भी नाश काल में सभी काल में मैं पिता हूं, ये स्थापित करने के लिए है यह श्लोक। पूर्व श्लोक उत्पत्ति काल में और अब यह श्लोक स्थिति काल में भी मैं ही हूं पिता, ये स्थापित करना है। भाष्य देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषो, देवयोनि पितृयोनि मनुष्योनि पशुयोनि मृगयोनि आदि आदि जितने भी 84 लाख योनियां माने जाते हैं उन सभी योनियों में ये कौन्तेय मूर्तयो, मूर्तयो का मतलब देह संस्था लक्षणा मूर्छितांग अवयवा मूर्तः, देह रूपी एक संघात संघटन विशेष जो आप जो देखते हैं विभिन्न प्रकार के चीजों से बनाया गया है, मूर्छित मूर्छित माने मूर्छा नहीं लेना, यहाँ मूर्छित शब्द होता है बनाना, विभिन्न चीजों से मिला करके बना देना, सम्मूर्छित कर देना, अनेक माना खून हड्डी मांस कई चीजें हैं यहाँ उनको मिला करके बना दिया, उसे मूर्छित करना। मिट्टी को जैसे आप काली का मूर्ति बनाओगे तुम क्या करें उसको, मिट्टी को उस प्रकार से मूर्छित कर दिया गया, उस प्रकार से अंगों से युक्त अवयव वाले विशेष ढांचा बना दिया, विशेष आकार प्रदान करते हुए किसी चीज को बनाने को कहा जाता है मूर्छित अंगावय, मूर्छित अंगावय वा मूर्तया संभवंती, उत्पन्न होते हैं या जो ऐसे शरीर योनियों का इस प्रकार से शरीर पैदा होते हैं, तासाम उन सगल शरीरों का सासाम मूर्ति नाम उन सगल शरीरों के मूर्तियों के ब्रह्म महत सर्वावस्थम योनि ही, क्योंकि मैं ही सगल अवस्था में हूं, इसलिए मैं ही उस स्थिति काल में भी कहने का मतलब कारण हूं, और तो हेतु अंतर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्थिति काल में भी जो पैदा हो रहे हैं ना, वो जितने भी पैदा होते हैं, जो कोई भी शरीर पैदा होता है उसका कारण वास्तव में मैं ही हूं। ये झूठे लोग गृहस्थी आदमी अपना सोचता है मैं बाप हूं मैं ये माँ है करके, न कोई माँ है न कोई बाप है, निमित्त मात्र है, असली माँ बाप वो भगवान ही है, ईश्वरी है जो ये सब करवा रहा है लीला है। इसलिए कहते हैं स्थिति काल में भी मैं ही वास्तविक पिता हूं, क्योंकि माया योनि है और माया जो योनि है जो कारण है वह मेरी है, अतः मैं उसमें बीज प्रदान करने वाला हूं पिता, और उस उपाधियों में स्व प्रतिबिंब को भी अर्पण करने वाला मैं ही हूं, है कि नहीं। शरीर भी बनाया मैंने अपनी माया से, शरीर बना उसके अंदर बुद्धि आदि उपाधियों को बना दिया,
अनुबुद्धि आदि में चेतन रूपी में ही प्रतिम रूपेण उसके अंदर स्थापित हो गया, तभी तो चलने फिरने वाले हो गए वो। मैं ना बनाओ तो कोई अपना बना के दिखा दे। गर्भाधान लोग करते हैं, पुरुष करता है अपने पत्नी में का टिकता है, और टिकता आ गया तो कई बार गिर जाते। जितने संबंध किए जा रहे संसार में सब टिक जाए तो फिर तो हो गए, यहाँ तो कीड़े मकोड़े कल में जगह नहीं मिलेगा, आदमी तो इतने भर जाएंगे। भगवान विचित्र माया ऐसी है, हर वीर का बूंद का कोई बच्चा पैदा नहीं होता। 90% आदमी का बर्बाद हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। 90% लोग वेस्ट कर रहे हैं, 10% के ही बच्चे पैदा होते हैं। ये सब परमात्मा की इच्छा है, कौन सा वीर कबून से बच्चा पैदा हो, कौन सा वीर कबून से ना हो, किस खेती में और किस खेती में ना हो, यह सब उसके मर्जी से चलता है। इसलिए कहते हैं मैं ही बीज प्रदान करने वाला होने से सगल अवस्थाओं में मैं ही पिता हूं। अच्छा, नीलकंठी सात्विक राजे को चैतन्य विचित्र से पिंड से पिता हम माता च माया इत्यर्था, सकल शरीरों का जो है माता माया है और सकल शरीरों का पिता मैं परमात्मा ब्रह्म आत्मा ही हूं। आत्मा ही पिता है और माया माता है। नीलकंठी तीसरी पंक्ति पृष्ठ 590 में इसे कहते हैं ब्रह्म महत् सर्वावस्था सभी अवस्था। क्यों सृष्टि के आदि काल में नहीं हिरण्यगर्भ को पैदा कर मैंने बीज डाल दिया माया में, इतने से काम नहीं, उसके बाद भी जितना भी हो रहा है इसलिए सर्वावस्थम योनि कारण कारण अहम मई ईशो बीज प्रदो गर्भाधान से कर्ता पिता, मैं ही वास्तविक बीज प्रदो गर्भाधान के कर्ता हूं पिता। इसलिए पहले जमाने में कहा जाता था पिता पति परमेश्वर है और पत्नी माया है। पति क्या है? परमेश्वर है, वो ईश्वरी उस रूप में है। माया रूपी पत्नी में बीज डाल रहा गर्भाधान कर रहा, ये भावना ही रहती थी। इसलिए संतान विशेष पैदा होते थे। अब आजकल जब मोहवशात भोग के लिए कर लेते हैं गड़बड़ ही होता है, संतान भी उसी क्वालिटी का पैदा हो रहे हैं। अब इसके आगे 14 श्लोक आएगा वर्णन करने के लिए। प्रकृति और पुरुष ईश्वर परतंत्र है, इसके 2 श्लोकों से प्रतिपादन कर दिया। तीसरी और चौथी से प्रकृति भी ईश्वरादि ब्रह्मादि में, पुरुष भी ब्रह्म दोनों ही उसके अधिक, ये स्थापित हो गया। और अब अर्थात जो सांख्य अभिमत स्वतंत्रता थी उसे खंडन कर दिया। और अब गुण कितने हैं, किस प्रकार से वे बांधन बंधन में डालते हैं इस जीव को, और किस गुण में और किस प्रकार से संघ होता है, ये सब का निरूपण करने के लिए यहां पे 14 श्लोक चलेगा। 5वीं से लेकर के 18वीं तक पूरा का पूरा यही गुणों की महिमा, सत रज और तम, इन 3 गुणों का ही वर्णन किया जाएगा। भाष्यकार इसलिए अवतरण का देते हुए कह रहे हैं के गुणा कथम बदनंती इत्युच्यते, गुण कितने हैं और वो जीव कैसे बांधते हैं, इसे सामान्य कथन पहले करते हैं, फिर प्रत्येक गुण क्या है और वो कैसे बांधते हैं उसे प्रत्येक का वर्णन करेंगे। पहले 3 गुणों का नाम लेंगे, सामान्य रूप में 3 गुण है और वे इस जीव को किस प्रकार से देही को देह में बांध रहे हैं सामान्य रूपेण, वो भी कथन कर देंगे। फिर उनका प्रत्येक का विशेष कथन होगा। सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अभ्यम, देहे देहिनम अभ्यम निभग्नन्ति। देखो विचित्रता, देही कैसा है, अव्यय देही है, उस अव्यय देही को देह में बांध देते हैं। हे महाबाहु, संबोधन विवेक का जो है द्योतन करने के लिए, पूर्व में संबोधन कौन थे था, वैराग्य का द्योतन करने के लिए
और यहां जो संबोधन है यह विवेक का चोधन करने के लिए है। जिस प्रकार से आपने गौं को बंधन से मुक्त करा दिया था, उसी प्रकार से अपने अज्ञान से स्वयं को मुक्त करने में तुम समर्थ हो, यह संकेत करता है महाबाहो। महाबाहु थे ना, तभी तुम्हारे सामर्थ्य हुआ। जब वो लोग विपक्षी लोग गौं को चुरा के ले गए, तुम अपने महाबाहुत्व का सामर्थ्य दिखा करके उनसे गौं को मुक्त कर लिया था। उसी प्रकार के परां शिखानी वितरण स्वयं हो पर ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्म ब्रह्मा ने क्या किया है, आपके इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया और इस प्रकार से आपके अज्ञान की महिमा में ये सब बंध गए हैं। और इनको आप इन सब से मुक्त करो, आप अपने अज्ञान से अपने आप को मुक्त कर लो, ये इसमें तुम समर्थ हो, इस बात को दिखाने के लिए यहाँ महाबहो कर दिया। मैंने विवेक करो, विवेक से ही मुक्ति है ना। यहाँ तो कोई ऐसे तो है गाय को बांध उसको छोड़ा लिया वैसे नहीं है, तात्पर्य ही है वहां जैसे छोड़ाया वैसे यहां भी तुम छोड़ा सकते हो। मानता हूं समर्थ हो, भाषकार भी से यहां कहेंगे मानता हूं समर्थ तो रहो, आजान प्रलंबन हो बाहु यस्य, जिसके बाहु इतने महान है कि समर्थ तर है। समर्थ तर कैसे हो गए, क्योंकि शरीर से भी देखा जाए उसकी जान तक घुटनों तक पूरे का पूरा लंबाई थी उसकी हाथों की, ऐसा विलक्षण महान तुम हो। अजय तुम विवेक करके इनको अलग कर सकते हो, अपने आप को अविद्या ग्रंथि से तुम पृथक हो सकते हो, ग्रंथि को खो सकते हो, ये संकेत किया हे महाबाहो संबोधन से। तत्तम रजस्तम इति गुणाः प्रतिसंभवाः, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीन गुण है सत्व रज और तम, यही बांधते निबध्नन्ति किसको, देहिनम कहा देह में। लेकिन बांधेंगे कैसे युवा समझना पड़ेगा, क्योंकि अव्ययम को भी अंतिम पद में बता दिया, वास्तव में आत्मा को शरीर में कोई बांध ही नहीं सकता। जो अव्यय है अव्यय मैंने व्यय ही नहीं होता, जिसका व्यय नहीं होता मैंने वह अविक्रिय है, विक्रिया रहित है, अविनाशी है, जो नित्य है उसको कौन बांधेगा। इसलिए वह जोड़ा जा गया, थोड़ा पूर्व शंका करेगा तो भाषकर कहेंगे अरे हमारे मत में तो निबध्नन्ति व बंधने के समान बंध रहे हैं ये हम लोगों को, नहीं तो जीवात्मा को इस शरीर में ये सत्रत्व रूपी जो माया के गुण है ये बांध भी नहीं सकते, वास्तव में बंधने के समान लग रहा है। भाष्य सप्तम रजस्तम इत्येवम नामानो, ये तीन नाम मात्र किनारे भी लक्षण नहीं बताया कुछ भी, इत्येवम नामानः ऐसे नाम वाले तीन है। क्या ये तीन ऐसे नाम वाले गुणाः, ये पारिभाषिका गुणाः शब्द है, कहीं अधिक गुणा नहीं है ना, व्याकरण के हिसाब से गुण और ये वो नहीं लेना, नैयायिकों के हिसाब से नहीं लेना, रूप रस स्पर्श आदि इसे कहते हैं। यहां जो गुणा शब्द है ये हमारे वेदांत का बड़े पारिभाषिक शब्द है, न रूपादि व द्रव्याश्रदा, रूपादि इनके समान द्रव्याश्रित कोई गुण को यहाँ ग्रहण नहीं करना, या वर्णों में एक विशिष्ट संज्ञा रूपेण स्वीकृत जो है उसको नहीं लेना, ये हमारी अपनी पारिभाषिक संज्ञाएं हैं। इसलिए प्रत्येक लक्षण हम आगे स्वयं करेंगे, सत्गुण का लक्षण क्या है क्या नहीं है कैसा होता है, न च गुणी गुणीरोर अन्यत्वम मत्र विवक्षिता, क्योंकि हमारे मत में गुण और गुणी, गुण मैंने सत्रम और गुणी कौन, प्रकृति, प्रकृति संभव बोल दिया ना, प्रकृति संभव बोल चुके हैं, इधर प्रकृति गुणी हो गया, वो गुण हो गए तीन, तीन गुणों वाली वह वा प्रकृति है, माया है, गुणी है वो, तो इन दोनों में अन्यत्वम नहीं मानते, जैसा नहीं है एक लोग गुण गुणी में क्या मानते हैं, घट और घट के रूप में भेद मानते, अलग पदार्थ अलग पदार्थ समाज समय उत्पन्न होता है, जैसे मानते हो वो हम नहीं मानते, हमारे यहाँ वो गुणों का ही समूह का नाम माया है। गुण गुणिनोर अन्यत्वम मात्र न च विवक्षिता, हमारे मत में गुण और गुणी का भेद की विवक्षा बिल्कुल नहीं है उन लोगों के समान।
अत्यंत भेद गवश के गव और अश्व के समान भी हम नहीं मानते, और भेदा भेद कहो वो भी संभव ही नहीं है। परसुरुद्धत्वादेव अतएव हमारे अपनी पारिभाषिक अलग माननी पड़ेगी। भेद सहिष्णु अभेद मानते न कुमार भट्ट गुण और गुणी के बीच में भेद सहिष्णु अभेद माना, वो भी हम नहीं मानते। भेदावेद तो संभव ही नहीं, परसुरुद्धत्वादेव, और अत्यंत भेद बिल्कुल नहीं, किंतु अभेद पक्षी हम मानते हैं गुण का गुणी के साथ। वाक्यों की दो वस्तु है नहीं ना, दो वस्तु होते तब तो कुछ वहां पर संबंध अभी कल्पना करें कैसा संबंध है, संयोग है, तादात में क्या है क्या नहीं है। नाम मात्र दो हम दे रहे, इन तीनों का मिली भगत का नाम माया, यानी कि उसका कोई अवयव रूपेण या किसी रूपेण वो हो, उन तीनों का मिली अवस्था का ही नाम माया। मिली साम्य अवस्था भी हो सकती है, मिली विकृत अवस्था भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी अवस्थाओं में उसका नाम माया ही है। तस्मात् गुणा इव नित्य प्रतंत्रा क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मकता क्षेत्रज्ञ निबध्नन्ति इव, इसलिए गुणा इव नित्य प्रतंत्रा, इसलिए वे कैसे हैं, जैसे आपके गुण द्रव्याधीन है ऐसे हमारे यहां भी गुण भी क्या है, नित्य परतंत्र है। किसके प्रति नित्य परतंत्र है, क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मक अविद्यात्मक होने से क्षेत्रज्ञ प्रति नित्य परतंत्र हेतु महा अविद्या, क्षेत्रज्ञ के प्रति वह नित्य ही गुण परतंत्र के समान होते हैं क्षेत्रज्ञ को, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं वो क्षेत्रज्ञ निबध्नन्ति इव, क्षेत्रज्ञ को बांधने के समान भासित होते हैं। वास्तविक क्षेत्रज्ञ तो बांध ही नहीं सकते, ये आत्मा जीवात्मा जो वही परमात्मा है वही ब्रह्म है सर्वव्यापक है, उसे कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता। इसे निबध्नन्ति इव कहना पड़ा, तम आस्पदी कृत्य आत्मानं प्रतिलबन्धे, कारण यह है इसी को आश्रित करके ही, इसी को जो है आलंबन करके ही आप अपने आप को अनुभव कर पाते। यदि शरीर न हो माया का कार्य, मैं हूं आप कैसे अनुभव करेंगे, हम ब्रह्मात्म कैसे अनुभव करोगे। गुण और गुणों का कार्यभूता ये जो शरीर आदि उपलब्ध हुआ है, इसी को आश्रित करके हम ब्रह्म को अनुभव कर पाते हैं। तम आस्पदी कृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ति, इसे निबध्नन्ति इत्युच्यते, इसलिए कह देता है बंधा हुआ है, कह दिया। ये च प्रकृति संभवा, और वे जो है प्राकृत जो है गुण वे प्रकृति से उत्पन्न है, कह दिया। संभव संभव जस्मैति संभव माने प्रकृति, संभव एषा ते प्रकृति है, संभव अनुत्पत्ति कारण जिसका, उन्हें कहा जाता है प्रकृति संभवा, भगवान माया संभव स्पष्ट कर दिया, और बे वास्तव और कुछ नहीं है, भगवान माया से उत्पन्न है, समझो। निबध्नन्ति इव हे महाबाहो, बांधे के समान बांधते, वास्तव में नहीं बांधते, इव कारण बंधे ना नित्राम बध्नन्ति, निबध्नन्ति नित्राम बध्नन्ति थी निबध्नन्ति, इति बनता विग्रह वाक्य। स्वविकारवत् तया उपदर्शयन्ति, अपने विकार के समान माया से दिखाते हैं, ऐसा लगता तो है लेकिन वास्तविक आत्मा प्रकृति का विकार है, ऐसा लगता है शरीर पैदा हुआ तो उसे चेतन भी पैदा हो गया, यही तो चारवाक कहता ही है। जब शरीर पैदा होता है तभी उसमें चेतनता पैदा हो जाता है, उसे पहले नहीं कहा, उसे बाद में भी नहीं, उज्जीव नाम को चीज भ्रांति तो ही लोगों को, क्योंकि माया से दिखा रही है, इन वास्तव में से नहीं, मृक्षर में विचार है ना, शरीर उत्पन्न होने के साथ यदि चेतन उत्पन्न हुआ, शरीर मरने के साथ में चेतन मरना चाहिए ना, अभी जब तक तो शरीर वहां सामने पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, जब तक तो शरीर वहां पर है तब तक तो वह चेतन तो होना चाहिए, कहीं शरीर है चेतन नहीं है। इसका मतलब है आपके जो भ्रांति हुई थी शरीर उत्पत्ति के साथ, चेतनता आ गई,
इसे देखना मिलता है हर एक शरीर की उत्पत्ति के साथ चैतन्य तत्व नहीं दिखती है ना। कहीं तो गर्भ में मर गए बच्चे, कुछ निकल के मर रहे हैं, निकलते वक्त मर रहे हैं, यही घटना है। इसलिए तो व्यभिचारी है उनका मत, लेकिन भ्रांति ऐसा होने ऐसे लोग कह देते हैं। हे महाबाहो, उत्पत्ति बता रहे भाष्यकार स्वयं, महान दौ समर्थ तरौ आजान प्रलंब बाहु यत सा महाभाव। हे महाभाव संबोधन, शंका कर सकता है कूटस्थ आत्मा को बांधने के समान भी कैसे करवाएंगे। कहते उसी प्रकार जैसा कुरियात मेरो अणुधियम, आंधगिरी पहले पंक्ति कुरियात मेरो अणुधियम, इस न्याय के आधार पर माया की महात्म्य है ये सब संभव है। यहाँ से मेरु जैसे विशाल पर्वत में अणुबुद्धि ये कोई कर सकता है, ये भी छोटा से कणों के बराबर। उसी प्रकार क्या नहीं कर सकती है माया, कहने का मतलब माया क्या नहीं कर सकती, अघट घटना पुटी से माया जो कभी नहीं होने वाली है उसे भी कर दिखा देती है माया, उसी का नाम तो माया है। इसे कभी ना बांधने वाला आत्मा को बांधे हुए के समान दिखा देना, यही माया की महिमा है। जो कभी बंधन में नहीं रहा है उसको बंधन में पड़े हुए के समान दिखाई देना, यही माया की महिमा है। आत्मा को अनात्मा दिखा देना, अनात्मा में आत्मबुद्धि दिखा देना, यही माया की महिमा है। सारी विपरीतता ही माया की महिमा है, ये समझो। कहां बंधा हुआ दिख रहा है, देहे शरीर। कौन बंधा हुआ दिख रहा है, देही नाम देहवंतम अभ्ययम, जो देह वाला आत्मा जो अभ्यय वास्तव में वो देह वाले के समान, जैसे देहिनम भी शब्द कर रहे हैं अव्ययम भी कह दे रहे भगवान यहाँ। देहिनम मैंने देह वाला, अब आत्मा के साथ देह का कोई संबंध नहीं है, देह के साथ आत्मा का जब संबंध नहीं तो देही कहां से आ गया। लेकिन देही कह दिया माया के संबंध के कारण, माया की वजह से इस आत्मा का शरीर के संबंध हुए के समान हो रखता है, अतः उसको देही भी कह दिया और असली वास्तव स्वरूप भी बता दिया। माया के कारण से भ्रमवशात इस आत्मा को भले देही कह दो किंतु वास्तव है क्या, अव्ययम कर दिया। अव्ययत्वम च उक्तम, अव्ययत्व को पहले ही समझा चुके, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इत्यादि श्लोक में 13वां अध्याय 31वें श्लोक स्पष्ट है। ननो देही न लिप्यति उक्तम, और पहले इसे 13वां 31वें ही कहा था ये जो देही है लिप्त नहीं होता, और यहाँ करे देही न निबदनती, विरुद्ध बात कह दिया आपने। कदम यह निबदंती थी अन्यथा उच्चते, ठीक विपरीत आप कैसे कथन कर रहे यहाँ आकर के वह निबदंती। तो कदम भाषकर अरे हमने तो जवाब के साथ साथ दे दिया, निबदंती वह जोड़ दिया हूं ना मैं, कहा स्वीकार कर रहा हूं बंदा है, वास्तव बांध दिया उन्होंने, तीनों को उन्होंने मिलकर के बांध दिया आत्मा को, मैं कहा स्वीकार किया, बांधने के समान कह चुका। वह कहते परिहृतम अस्माद इव शब्द निबदनती इव इति, तुम्हारे आशंका का जवाब मैंने दे चुका हूं, इव शब्द प्रयोग करते हुए हाँ निबदनती इव ऐसा मैंने पहले कह दिया है ताकि पूर्वोत्तर विरोध ना हो और इस श्लोक का अंत शब्द के साथ विरोध ना हो जाए, नहीं तो इस श्लोक का अंतिम शब्द के साथ विरोध हो जाएगी, वास्तव में बंद गया तो अब बेकार है। अवयम कह दिया इसका तो मानना पड़ेगा, पर निबदंती में यह शब्द छिपा पड़ा है। अब उन गुणों में से एक एक का वर्णन करेंगे। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् उन तीनों में से सबसे पहले सत्व गुण का वर्णन किया जा रहा है, निर्मलत्व निर्मल होने से वह प्रकाश प्रकाश करने के सामर्थ्य वाला है सत्व गुण। सत्व गुण में प्रकाश का तो क्यों है, क्योंकि निर्मल जो निर्मल वस्तु है वही ना प्रकाशन करेगा, जैसे दर्पण है आप उसे निर्मल कर चुके तभी तो प्रकाशित कर देता है, कहां से प्रकाश फेंकेगा वो, इसलिए निर्मलत्व प्रकाश का। और अनामयम
अनावयम निरुपद्रवा, किसी प्रकार के उपद्रव से रहित है वह सब इन वह भी बांधता है आपको। कैसे? सुख संघे न बदनाती सुख संघे न सुखी हम, ऐसा जो विषय भूत सुख का विषय आपता में संबंध का आपादन पूर्वक जो अनुभव करा देता है वह मिथ्या ही भले करा रहा है, लेकिन सुख में आपका जो संबंध जो अनुभव कराता है वो महम सुखी जो आप बोलते हो यही तरीका है जो शत्रुन के द्वारा आत्मा को बांधने का। केवल सुख संज्ञा नहीं, ज्ञान संज्ञा च, और ज्ञान संघ के साथ हम ज्ञानी बोलते, बड़ ज्ञानवान हम, बड़ ज्ञानवान हम ज्ञान वाला हूं मैं, अब इतने अध्याय पढ़ ले इतने अध्याय के ज्ञान वाला मैं हूं, इतने उपनिषदों के ज्ञान वाला मैं हूं, इस प्रकार से चाहे लोक का ज्ञान हो, शास्त्र ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, इन ज्ञानों को लेकर आप जो अहम ज्ञानी व्यवहार कर रहे हो ना, यह भी सत्वगुण की महिमा से ही है। इन दो तरीकों से मुख्य रूपेण यह सत्वगुण आत्मा को मानव शरीर में बांधने के समान बांध देता है। संबोधन जान के देखिए सत्य क्या होता है, निर्मल, निर्मल का ना तो संबोधन भी हे अनघ, अघ रहित है मैंने पाप रहित है विशुद्ध, श्री हे अनघ ये संबोधन दिया गया है। जहां जैसा गुण है वैसा संबोधन भी देंगे इसीलिए अवश्य तत्र सत्वमिति तत्र सत्वादीनाम, तत्र मैंने सत्वादीना मध्य सत्रम तीन गुण जी को बताए गए थे उनमें से सत्वस्य एवतावत लक्षण उचते, सत्वगुण अकेले का अब यहाँ लक्षण बताया जा रहा है, फिर रजगुण का फिर तमोगुण का बताएंगे। निर्मल स्फटिकमणिरीव प्रकाशकम अनामयम निरुपद्रवम सत्वम तन्निबध्नाति, निर्मल होने के नाते स्फटिक मणि के समान निर्मल होने के कारण ये सत्वगुण की यह स्वभाव है कि हर चीज को वो प्रकाशन करते रहता है। जब सत्वगुण आप क्या विशेषण कार्य कर रहा हो, सत्वगुण परिणाम होता वृत्तियां जब चलती हो तब आप वस्तुओं को प्रकाशन करने लगेंगे। चाहिए यथार्थ वस्तु हो चाहे यथार्थ वस्तु, हाँ रज्जु में सर्प को भी प्रकाशित सत्वगुण ही करता है, रज्जु को भी प्रकाशित सत्वगुण ही करता है। बाह्य निमित्त है यथार्थ और अयथार्थता के प्रतिकार, सत्व का स्वभाव है प्रकाशन कर देगा वो, चाहे जो भी हो जैसा भी हो उसे क्या लेंगे, यथार्थ पदार्थ क्या यथार्थ पदार्थ प्रकाशन कर उसे काम है। सूर्य का काम है वो सबको प्रकाश देता है, पढ़ने लिखने वालों को भी दे रहा है, चोर बदमाशों को भी दे रहा है, सबको दे रहा है। उसके स्वभाव है प्रकाश देना, उसके सत्व का स्वभाव है प्रकाशन करना, तो प्रकाशन करेंगे। यथार्थ वस्तु का प्रकाशन हो चाहे अयथार्थ वस्तु का प्रकाशन हो, इन प्रकाशन करना उसका स्वभाव है क्योंकि वह निर्मल है। प्रकाशम और अनामय निरुपद्रम सत्ताम, और अनाम निरुपद्रव है, उपद्रव रहित है वो, किसी प्रकार का झंझट से रहित है वो। सत्वगुण ऐसा चीज है जो आपको हमेशा निरुपद्रव स्थिति को पहुंचा देता है, ये मन प्रसन्न रहता है। सत्वगुण में क्या होता है, मन प्रसन्न है, खिन्न नहीं होता, नजर बजर नहीं, आदमी को देखने से भी कई बार पता लगता है आदमी आज प्रसन्न नहीं है, या नहीं चेहरा देखने से पता लगता है, पाठ में आते हैं बैठते देखने से पता लगता है आज का दिमाग ठीक ठाक नहीं है, आ तो गया है पाठ में लेकिन ठीक नहीं, देखने से पता लग जाता है। और कहीं तो पहले भी नहीं आते, चलो जाने ही नहीं, आज ठीक नहीं है मन, क्या करना है, चलो जाएंगे ही नहीं, और कहीं सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, अज्ञान बीमारी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ विघ्न तो अनेक है ना, विघ्न अनेक, कहते हैं बैठे बैठे सो ही जाते, तम उड़ा जाते हैं, बैठे भी है सुनने के लिए नहीं सो जाते, क्या करें, विघ्न है, ये सारे विघ्न है। विद्या प्राप्ति में अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं, आदमी के दिमाग में भ्रम डाल दिया जाता है, भ्रांति हो जाती है, स्वयं का विवेक आदमी खो जाता है, अनेक कारण बन जाते हैं, लेकिन सत्व का स्वभाव है निरुपद्रव, ये सारे उपद्रव रजगुण और तमगुण का खेल है, सतुगुण का नहीं। व्यक्ति का हृदय सात्विक है उसे पता लग जाए, जो आदमी चंचल है, जो आदमी डगमगा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी सोच रहा है कभी करूं ना करूं, पढ़ू ना पढ़ू, या क्या कहूं क्या ना कहूं, कभी श्रद्धा है कभी अश्रद्धा,
कभी भक्ति कभी भक्ति नहीं है, कभी प्रेम है कभी नहीं है, कभी विश्वास है कभी नहीं है, तो समझो रजगुणी और तमगुणी में है वो। सात्विक वाला कभी ऐसा नहीं, सात्विकता में उपद्रव नहीं, ये सब उपद्रव है ना। धर्म का नहीं भी उपद्रव है। सत्व का स्वभाव क्या है? निरुपद्रव अनामय। ऐसे भाषा कहते हैं अनामय निरुपद्रव सत्य तन निबदनाते वाह वाह सत्गुण भी उस देही को आत्मा को बांधता है। खत्म किस प्रकार से देही आत्मा को बांधेगा? ये कहते सुख संगे न सुख संग से बांधता है। सुखी हम यदि विषय भूत से सुख से विषय नहीं आत्मनी संश्लेष आपाद कहते हैं तो करता क्या है? सुख संगे न बदनाती। सुख संगे न बदनाती की व्याख्या सुखी हम इति सुखी हम सुखवान हम ऐसा कर रहा हो तब क्या होगा? सुखवान जब बोले तो सुख क्या है? स्वरूप भूता नहीं लेना। हम सुख स्वरूप हो ऐसा नहीं बोल रहा है। सुख स्वरूप हम थोड़ी बोला, सुखी हम बोला। सुखी हम बोलने का मतलब क्या? सुख आपका विषय बन रहा है, आप आत्मा उसका अनुभव करने वाला भोक्ता सुखी जो विषयी है आप, और आपका विषय सुख है। भेद है वहां पर, स्वरूप भूता सुख नहीं है। इसे कहते हैं सुखी हम इति विषय भूत से सुख से विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम ऋषैव सुखे संजनम इति। इस प्रकार से विषय भूत सुख को विषय भूत आत्मा में संबंध को आपादन कर दिया, जोड़ दिया जबरदस्ती। मानो मिथ्या ही है वास्तव में मृषय, वास्तव में आत्मा स्वयं सुख रूप है। आत्मा क्या सुखी होगा है? स्वयं जो चीनी है अब उसमें कहा तो भाई तुम थोड़ा और चीनी मिला कर तब मीठा हो गया क्या? अरे पहले से मीठा रहोगे उसमें क्या मीठा करोगे? जो चीनी है वो स्वयं ही मीठा स्वरूप है। ऊपर चीनी डालने से थोड़ी चीनी और मीठा हो जाएगा वो। जरा आपका स्वयं सुख स्वरूप है, इसे विशेष सुख को जोड़ दोगे तो सुखी होगा क्या वो? लेकिन इसलिए कहते मृषैव सुखे संजनम, इसे सुख में संबंध जो प्रतीति हो रहा है वह मिथ्या ये समझो। सैषा अविद्या, वह यह जिस प्रकार का संबंध का करना यही अविद्या की मामला है, यह अविद्या है। इसी का नाम अविद्या है। सुखी अहम अनुभव हो रहे हैं अविद्या है, ज्ञानी अहम ऐसा अनुभव हो रहे हैं अविद्या है। क्योंकि वास्तव में विषय धर्मो विषयिणो नहीं संभवती, क्योंकि नहीं विषय धर्मो विषयिणो भवति। विषय का धर्म विषयी में नहीं आ सकता और विषयी का धर्म कभी विषय में नहीं आ सकता। एक का धर्म दूसरे में जाने का मतलब यह है अन्योन्य अध्यास होना। अन्योन्य अध्यास होने का मतलब अविद्या है, सिद्ध हो जाता है। और पहले ही बोल चुके इच्छा सुख दुख द्वेष कहाँ का धर्म है? क्षेत्र का। और कहां से आ गया क्षेत्र के में? सुखी हम कैसे बोल दिया आपने? आपको कहना चाहिए सुखवार अयम देह सुखी मम बुद्धि, मेरी बुद्धि सुखी है, मेरा मन सुखी है, ये शरीर सुखी है, मैं सुखी हूं। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। इच्छा भी चृत्यंत क्षेत्र से विशेष धर्म इतुक्तम भगवता। भगवान 13वें अध्याय के ये पूर्व अध्याय के 6वें श्लोक में ये बात वर्णन कर चुके हैं। इच्छा जी से आरंभ कर इच्छा द्वेष सुगम इच्छा द्वेष है ना, गिनती किया गिनती करके धृति पर गिना दिए। ये सब कहा का धर्म बताया उन्होंने? क्षेत्र सेव विशेष धर्म, क्षेत्र का विषय का धर्म है। इस प्रकार से भगवान पहले कह चुके हैं। अतो अविद्यैव स्वकीय धर्मभूतया विषय विषय अविवेक लक्षणया अस्वात्मभूते सुखे संजयति इव। इसलिए ये मानना पड़ेगा अविद्या के द्वारा ही ये क्या कह जा रहा है? स्वकीय धर्मभूतया क्षेत्र का, स्वकीय मने अविद्या की अपने बनाई हुई खेती जो शरीर आदि का धर्मभूत वस्तु है उसके द्वारा विषय विषय अविवेक लक्षणया। अविद्या कहते हैं वो विषय और विषय का विवेक पृथक्त्व ग्रहण नहीं करने पर ही होता है ना सब। ये विषय है और विषय का धर्म है, मैं विषय साक्षी हूं दृष्टा हूं मैं अलग हूं, ऐसे यदि विवेक हो जाए फिर कहां से भ्रांति होनी है? भ्रांति तब है जब विवेक नहीं है। विषय और विषय का अन्योन्य अध्यास हो जाए तब भ्रांति है। यही अविद्या की स्वरूप है। वो क्या करती है? अपने धर्मों को अपना कार्य होता शरीर आदि क्षेत्र का जो धर्म है इच्छा द्वेष सुख दुख आदि इन धर्मों को धर्मों के माध्यम से जो कि विषय विषय का अविवेक रूप से हो रहा है
अस्वाक्त भूते सुखे अस्वाक्त भूत सुख में संजयती व संजयती मने सप्तम संजयती व सप्तमी शेष मान संबंध जोड़ने के समान सम्मुख सर जी जय धातु नहीं लेना सम जयति जीतना ऐसा अर्थ नहीं ये संज धातु है ये अभिश्वंगे ना संग अभिश्वंगे धातु से लेना संजयति बना संज स्वंज संज स्वंज इत्यादि एक धातु है उससे बना संजयति इसलिए भाषा उसका अर्थ है सक्तम इव सक्तम है संबद्धम इव करोति संबद्ध के समान कर देता है असुखीनम सुखीनम इव असुखी को सुखी के समान भाषित कर देता है अज्ञानी को ज्ञानी के समान भाषित कर देता है और ठीक उल्टा भी ज्ञानी को अज्ञानी के समान सुखी को असुखी के समान दोनों तरफ समझना तथा ज्ञान संज्ञेन च इसी प्रकार ज्ञान संज्ञेन च ज्ञान विधि सुख साचर्या क्षेत्र से अंतकरण धर्मो नात्मना ज्ञान से भी क्या लेना स्वरूप ज्ञान नहीं लेना प्रकरणी स्वरूप का नहीं है तो गुणों का महिमा चल रहा है गुणों के कार्य का वर्णन किया जा रहा है कैसे बांध रहे वर्णन किया जा रहा है इसीलिए सुख का साहचर्य को देखते हुए क्षेत्र विभूत क्षेत्र से कौन सा लेना अंतकरण का धर्म विशेष लेना ज्ञान सबसे न आत्म स्वरूपोतम आत्म स्वरूप ज्ञान को नहीं लेना क्योंकि यदि सुख और ज्ञान शब्दों से आत्मा का स्वरूभूत सुख स्वरूभूत ज्ञान स्वरूभूत आनंद को ही ले लोगे फिर तो जो संघ है और निबंध निबंधराती ये बंग घटेंगे नहीं कोई करे आत्मधर्मत्व संघ अनुपत्य है बंध अनुपत्ति क्योंकि आत्मा का स्वरूभूत धर्म में सुख लोगे आप आत्मा का स्वरूभूत धर्म में जो ज्ञान लोगे आप यहां फिर तो न संघ हो सकता है न बंध नहीं हो सकता है कि स्वरूप सुख और स्वरूप ज्ञान में बंध नहीं बल्कि उल्टा वहां मुक्ति है इसे सुख ही वह ज्ञाना दो संगो मंतव्य सुख में जिस प्रकार का वर्णन करके समझाया गया था उसी प्रकार ज्ञान आदियों में भी संघ को समझनी चाहिए हे अनघ अव्यसन इत्यर्थ सर्वव्यसन रहित हे पाप रहित विशुद्ध आत्मन ऐसे इसके बाद जो है रजगुण का वर्णन रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनम् रजो रागात्मकं विद्धि रजगुण कैसा है और रागात्मक है रागात्मक मने अपने रंग से दूसरे को रंगित करने वाला अपने रंग से दूसरे को रंगित कर देने वाला जैसे कपड़े होते गिरुवादी है ना वो क्या करते हैं सफेद को भी लाल कर डालेंगे उसी प्रकार ये भी है रागात्मक विधि मने जानी ही जानो तृष्णा संग समुद्भवम तृष्णा आसंग समुद्भवम तृष्णा और आसंग दो चीजें हैं इससे हमेशा आपके अंतकरण उत्पन्न होते रहता है रजगुण समझ लेना आप रजगुण की वृत्ति है कब समझोगे अपने अंदर रजगुण की वृत्ति है जब ये दो चीजें आपके अंदर हो रही हो क्या तृष्णा और आसंग अप्राप्त के अभिलाषा हो रही है और प्राप्ति विषय में मन के अंदर एक प्रीति जगा हुआ है उसे संभाल रहे हैं आप उसके पीछे लगे हुए हैं वो आसंग है यही दो है आपके अंदर विशेष रूपेण रजगुण का स्वरूप अप्राप्य प्राप्ति की इच्छा प्राप्ति परिरक्षा पूर्वक उसे प्रीति विशेष का नाम ही रगुण रजगुण का कार्य है और इन कार्यों के अंदर निबदनाती हे कौन्तेय संबोधन जान क्या संबोधन को फिर कौन्तेय दे दिया स्त्री का स्वभाव विशेष है इसमें अपना आपकी प्राप्ति की इच्छा और प्राप्ति परीक्षा में प्रीति विशेष आदि भी स्त्री के विशिष्ट स्वभाव होता है इसे संबोधन यहां कौन्तेय दे दिया और तन निबदनाति हे कौन्तेय उस देहितम देहिनम निबदनाति उस देह को बांध देता है हे कौन्तेय कैसे कर्म संगेन हेतु दे दिया कर्मसु संबंध संघ कर्म में जो संघ क्या होगा कर्म परायणता कर्म परता बना
करके आपको जो है ना वो रजोगुण जो है बांध दे रहा है जीवात्मा को शरीर में। आश्यम रजो रागात्मकम रंजनात् राग, देखो भास्कर साफ करते हैं रंजनात् राग, और विस्पष्ट करते गैरिकाधिपत, गैरिकाधिपत मानी गेरुआ, मिट्टी मिलता है पत्थर मिलता है गेरु पत्थर, उनके जैसे जिससे संबंध हो गया वही रंग चढ़ गया वहां तुरंत, ये नहीं लगता। अब ऐसे एक कपड़ा हमने रंगा हुआ था, वो कपड़े का रंग के साथ धो रहा था साथ को जो टवल डाल दी, ध्यान नहीं रहा अलग डालने घूसी में डाल दिया, वो सारे टवल भी लाल हो गए, क्या करें, चलो वैसे प्रयोग करो कोई बात नहीं। अब वो भी पूरे एक ढंग का रंगता भी नहीं ना, साथ ऐसे डाल जाता इधर उधर उधर हो जाता लाल लाल पैच पैच पैच, जैसा संग वैसा रंग वाला। रंग को हम पूरा संग में डाल देते ढंग से डाल तो पूरे में आता, और इधर उधर संबंध हुआ तो उधर उधर ही हो गए बेकार सारा बेकार जैसे लगता। गैरी का जीवत रागात्मक विधि जानी ही, ऐसा जानो इसको, रज्जते संसृज्यते अनेन पुरुषो दृश्य विधि राग असौ आत्मा अस्य वही स्वरूप जिसका उस रागात्मकम का देखो बहुत सुंदर उत्पत्ति कर रहे हैं कौन आंधगिरी रज्जते ने संसृज्यते अनेन पुरुषो दृश्य ही, पुरुष जो है दृश्यों के साथ संबद्ध हो जाता है जिसके द्वारा यह रजगुणी है आपको संबंध करा देने वाले दृश्यों के साथ सतोल प्रकाशन करके छोड़ देता है ना, इन ये आपको दौड़ा प्रवृत्त करा देता है, जाओ उसको लो इसको पकड़ो, वो नहीं है तुम्हारे पास इसको खरीदो, ये है तो इसको संभालो, ऐसे करके तो आपको प्रवृत्ति में दौड़ाने वाला है ये, इसलिए इसको रागात्मकम कह दिया। समुद्भवती अस्माय थी समुद्भव तृष्णा च आसंग तृष्णासंग तयो समुद्भव इति, इसकी उत्पत्ति आंगिरी में दी तृष्णासंग समुद्भव, तृष्णा और आसंग इन दो प्रकार की विषयवृत्तियों से ही समझना कि रजगुण इस समय खूब उत्पन्न हो रखा है, खूब चल रहा है हमारे अंदर। क्या है वो तृष्णा, भाष्यकार कहते हैं अप्राप्ताभिलाषा तृष्णा, अप्राप्त की अभिलाषा, जो अप्राप्त है उसकी अभिलाषा का नाम ही तृष्णा। और आसंग क्या है, प्राप्त विषय मनस प्रीति लक्षण संश्लेषण, प्राप्त विषय में मन का एक प्रीति रूपा एक संश्लेष विषय संबंध विषय जो हो रखता है उस वस्तु के प्रति उसका नाम आसंग है। ऐसे तो तृष्णासंग समुद्भवम इति तृष्णासंग समुद्भवम, ऐसे दो के कारण से उत्पन्न होने वाला जो होता है उसका नाम रजोगुण है। तन निबदनादि वह ये जो रजोगुण क्या करता है, इस देही को बांध देता है, इस जीव को बांधने के समान बांध देता है। ये तो सबको समझना है, भाष्कर पहले बोल चुके सब जगह आगे ये वो समझ लो। तद रज तजा वह जो रज है वो देहीनम देही रूपी आत्मा को जीवात्मा को निबदनाती बांधते के समान बांधता है, समझो हे कौंतेय कैसे बांध देता है कथम, तो जवाब दे रहे हैं कर्म संगेन दृष्टादिष्टार्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्म संग तेन निबदनाती रजो देहीनम इति, कर्म संज्ञा की बता रहे दृष्टादिष्टार्थेषु दृष्टफल और अदृष्ट फल के विषय में जो विधि शास्त्रों में विहित है या शास्त्र में अविहित है, ऐसे कर्मों में जो आपकी आसक्ति है तत्परता, इसी का नाम कर्म संग प्रवृत्ति में आसक्ति, तेना उसके द्वारा मानव जीव को यह रजोगुण बांधने के समान बांध रहा है, रजो देहिनम निबदनाती बांधने के समान बांधता है ऐसा जाने।